गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास रे हमें सिंप्लीफिकेशन रो केतरा क्वेश्चन करथिले। आज रो सेशन रे हमें कोन करिवा, प्रीवियस क्लास रे जो होमवर्क तुम देथिले 10टा क्वेश्चन सॉल्व करिवा, तापरे आज रो सेक्शन आरंभ करिवा। ओके, तो देखो प्रथमे कोन करिवा, डिवाइड करिवा 16, तो एठी 2 प्लस 7 * 8 केते हला 56, 16 into 2, 32. 56 plus 32, which is equal to 88. Okay. Next question, 4080 minus 4000 divided by 10, which is equal to. तो देखो, प्रथम में divide करिवी, ताले केते हला 400. 400 हला, तो minus करिवी 4080 रो, ताले केता हुआ 400 माइनस कर दियो 836। सेकंड क्वेश्चन रा आंसर हला 3680। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 डिवाइडेड बाय 8 ऑफ 1/2 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई विथ 3/2 इनटू 5/6। तो देखो प्रथमे को प्रोसेस करबी, आगे एलिमिनेट करबी, ऑफ अछि, ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन, ताले 8 मल्टीप्लाई विथ 1/2 ताले 4, ताले 144 डिवाइडेड बाय 4 36 हला, तो 36 एटी माइनस 4/5 इनटू 3/2 इनटू 5/6, बुझेला ना? नहीं, तो देखो 5/5 गेट कैंसिल, 2 2s 4, 2 3 3/3 1, बुझेला 3/3 1, ताले केते हला 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35 विल बी द राइट आंसर। ओके, 35 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो 3/2 मल्टीप्लाई विथ 11/5 डिवाइडेड बाय 25/44 इनटू 11/5 डिवाइडेड बाय 33/15। तो देखो प्रथमे ब्रैकेट काम आगे सारीबी, चंद्रबंधनी अछि, ताले मल्टीप्लिकेशन अछि, मल्टीप्लिकेशन करबी 11 4 44 5 5 25, ताले 5/4 एटा एलिमिनेट है, केते हला 5/4, एठी डिवाइड केते अछि 33/15, एठी डिवाइड अछि ता पूर्वरु केते अछि 3/2 इनटू 11/5, एति गेसला। तो देखो मु एठी डिवाइड अछि, तको उल्टा के मल्टीप्लिकेशन करि परिबि, ताले 3/2 इनटू 11/5 इनटू इनटू करले कोन होइ जइबो, उल्टी जइबो 4/5 इनटू उल्टी जइबो 15/33, ताहले केते हबो, तो देखो 5 3 15, 2 2 4, 11 3 33, 3 3 गेट कैंसिलेशन, 2 3 6, रिमेनिंग डिनोमिनेटर 5, 6/5 will be the right answer. Next question, देखो 17 plus minus of 3 minus of 5 minus 6 which is equal to केते, तो देखो प्रथमे ब्रैकेट काम सारुची, मल्टीप्लिकेशन एठी अछि, ताले नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तुमको साइन कन्वेंशन रूम कहि छी, ताले पॉजिटिव 15, बुझेला एठी माइनस 6 एबडे प्लस 17 which is equal to 17 15 में से 32 माइनस 6 32 माइनस 6 26, बुझेला 26 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट भीतर 59 माइनस एठी कर्ली ब्रैकेट आरंभ होला 7 * 8 प्लस जोटा की हमरो ब्रैकेट भीतर राउंड ब्रैकेट भीतर 13 माइनस 2 ऑफ 5 अछि, तो प्रथमे मु एति की ब्रैकेट काम आगे सारीबी, ब्रैकेट भीतर प्रथमे एटू सॉल्व करबी, देखो राउंड ब्रैकेट एठी कोन अछि, राउंड ब्रैकेट भीतर कोन अछि 2 ऑफ 5 अछि, तले आगे मु सेटा को एलिमिनेट करबी, तले 10 13 माइनस 10 13 माइनस 10 जे केते हे जइबो 3, तले एई टर्म टा मोर केते हे गला, एई टर्म टा मोर 3 हे गला, ता पूर्व कोन अछि प्लस 7 * 8 अछि, तने एई कुटिल बंधनी काम आगे सारीबी, तले कोन हबो 7 * 8 केते 756, 56 प्लस एठी अछि प्लस 3 56 59 59 एउटे दियो 59 हे गला,
तो ये कत अच्छे 59 अच्छे 59 माइनस 59 तो इज इक्वल टू के 0 पूर्व कौन अच्छी 81 ऑफ एति के अच्छे ना नहीं एति टर्म के 0 होगा 81 ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन 81 0 इज इक्वल टू 0 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख प्रथम बार जो अच्छी रेखाबंधन अच्छी आगे मुझे एलिमिनेट करी ये अच्छी तेल कौन है 5 + 3 8 19 माइनस 8 के 19 - 8 गला 11 ऑफ 3 माइनस ताले ए ब्रैकेट काम सारी भी आगे एठी कौन अच्छी रेखाबंधन अच्छी भिनकुलम अच्छी ताले आपको एलिमिनेट कले के 9 - 4 5 12 - 5 12 - 5 हो जी के 7 ताले 3 - 7 रहला। ओके तापरे कौन करी यही प्रोसेसटा को आगे एलिमिनेट करी ताने 11 ऑफ 3 माने 11 × 3 ताले 33 - 7 33 - 7 which is equal to 26 is the right answer। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देख कौन दे 121 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट भितर एति अछि देख स्क्वायर ए ब्रैकेट टा को मु आगे एलिमिनेट करबी ताले कोन करबी तो देख प्रथम एटा 7 माइनस 4 केते हला 3 एटी 3 पूर्व एटी किछि ब्रैकेट पूर्व किछि नै माने एटी मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 केते हला 9 केते हला 9 एटी हला 9 एटी केते अछि 15 15 - 9 माइनस अछि 15 - 9 और 15 - 9 केते हला 6 बुझेला तो एठी कर्ली ब्रैकेट पळेला तापर एठी 17 अछि 17 - 6 17 - 6 इज इक्वल टू 11 हला 11 एठी केते अछि 121 डिवाइडेड बाय 11 तने 121 डिवाइडेड बाय 11 होची 11 11 विल बी द राइट आंसर। नाइन क्वेश्चन नंबर 9 12 - 5 ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर ब्रैकेट भितरे एति देछि तो देखो केमती सॉल्व करिया प्रथमे ए ब्रैकेट एलिमिनेट करिबा 7 प्लस 2 ऊपर विनकुलम अछि 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 दि -9 प्लस 5 जे केते हबो चंद्रबंधनी भितर केते अछि 5 आउ -9 रहला तो 5 - 9 होची केते 5 - 9 एलिमिनेट कले -4 बुझेला ताले एति की एलिमिनेट कर देली केते हेगला एटी 4 एटी माइनस अछि ब्रैकेट पूर्व माइनस अछि माइनस एटी केते हिजला एटी हितला -4 -- प्लस हे जीवो बुझेला मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 माइनस अछि एटी बुझेला तो एटी -10 अछि एटी ओके तो 4 + 4 8 10 - 8 जे केते हला 2 ताले एति की मोर केते हला 2 यदि केते हला 2 तो 12 - 5 ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3 इनटू केते हबो एटी किछ नै माने इनटू 2 ऑफ अछि माने ऑपरेशन टा मागे करबी ताले 5 6 जा 30 डिवाइडेड बाय 3 × 2 एठी 12 - 30 तापर एठी कौन अच्छे डिवाइडेशन करी तापर डिवाइडेशन कले के 10 × 2 रहा 12 - 10 बुझेला नेक्स्ट के मल्टीप्लिकेशन करी तेने -20 एठी 12 तेने -8 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन 64 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 25 - 36 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 अच्छा सॉल्व करिबा तो प्रथमे कोन करिबा ब्रैकेट काम आगे सरिबा तो डिवाइडेशन ब्रैकेट ब्रैकेट भीतर डिवाइडेशन आगे करिबा 4 9 36 बुझेला 9 नहले 25 - 9 के केते 16 16 हरण 2 एठी अछि एठी मल्टीप्लिकेशन अछि 8 64 + 8 एति को एलिमिनेट करली तापर देख एठी डिवाइडेशन एठी भी डिवाइडेशन ताले 8 * 64 मल्टीप्लिकेशन 2 * 16 ताने 8 * 64 64 इज द राइट आंसर। ओके तो सेक्शन आरंभ करिबा आजर सेक्शन आरंभ करिया होमवर्क कंप्लीट टुडे सेक्शन कोन हेडिंग लगे दियो अलजेब्रिक सिंपलीफिकेशन।
तुम्हें फर्मुला गुड़ा जाच ए प्लस बी रोल स्क्वयर ए माइनस बी रोल स्क्वयर ए क्यू इक्यू रमुला ए माइनस बी रोल क्यू एगुटा सब जाच तो नहीं कि केमती खेली हुए तुम्हें जाणिना आज तुम खेल आस खेल फर्स्ट आइडेंटिटी आम जानते फर्स्ट आइडेंटिटी हूँ देख ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ओके फर्स्ट आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी सेकेंड आइडेंटिटी जानी चो तुम्हें ए फॉर्मूला गुड़ा सप्तम क्लास रु पढ़ सेवेन्थ क्लास रु पढ़ी पढ़ी आसत देख ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जो भी प्लस अच्छी सब प्लस अच्छी माइनस अच्छी केवल माइनस टू ए बी पाखे माइनस अच्छे ये मन रही थ समस्त मन रही थ अच्छा एति फॉर्मूला तुम जाच आपको नहीं कि भी आउरी फॉर्मूला क्रिएट कर देख जदि मु आड करे दीटा आइडेंटिटी को आड करे आड माने मिसाए ताले कौन हम ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए स्क्वायर केते हला टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर केते हला टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी गेट कैंसिलेशन ओके ताले एटी टू दीटा टर्म में टू कमन अच्छी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके मुझे एमती भाव रिप्रेजेंट करी ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मल्टीप्लाई के अच्छी ये पलैस डिवाइड हो गला ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बुझेगा नोट कर नहीं जा तो देख मुझे तो फर्स्ट आइडेंटिटी आउ सेकेंड आइडेंटिटी को कौन कली आड कली एड करवा द्वारा कौन हो एड कलामर कौन एक्सप्रेशन कौन आ प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू देख बहुत इजी आउ आउ बहुत क्वेश्चन आरइज कर देख अच्छा नेक्स्ट आम सब्ट्राक्ट करवा दुटा आइडेंटिटी को मुझे सब्ट्राक्ट करी देख सब्ट्राक्ट कले देख लेफ्ट हैंड साइड कौन हम देख ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रे देख एटी नेगेटिव नेगेटिव एटी नेगेटिव चिन्ह बुझेगा सब्ट्राक्ट करूँगी तेल एटी ए स्क्वायर ए स्क्वायर गेट कैंसिलेशन प्लस माइनस बी स्क्वायर गेट कैंसिलेशन एटी प्लस टू ए बी एटी माइनस माइनस प्लस होटी कौन हो फोर ए वि समस्ते बुझिपाल ये बुझिपाल फोर ए वि कहीं बुझिपाल तो ये देख ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वि सब्ट्राक्ट कले है वन रु टू को मुझे सब्ट्राक्ट कली बुझेगा ना नहीं तो देख मु यू फॉर्मूला जनरेट करी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर रहा ए बीटा ये मल्टीप्लाई होता एपटे कौन हम डिवाइड हो डिवाइडेड बाय ए बी अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ताने ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू फोर बुझेगा ना नहीं तो देख आपको भी नहीं एग्जामिनर तुमको क्वेश्चन करपर बुझे नेक्स्ट आइडेंटिटी आम पढ़ा यटा को स्क्रीनशॉट नहीं जा बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एटा हूँ थर्ड आइडेंटिटी ये थर्ड आइडेंटिटी बहुत इजी तुमको यहीटा कौन पढ़ाच एक्चुअली ए बहुत प्रकार क्वेश्चन आरइज कर बुझेगा ना हो जिते सिंपल भाच तादरे भी बहुत किसी मुंड खर्च कर देख आम क्वेश्चन कले सबूर
डाउट क्लियर क्लारीफाई हो पारिबो बुझेला आम क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कशन करिबा आइडेंटिटी 1 आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी 3 रु केमती हमरो क्वेश्चन अराइज करूची सिंपलीफिकेशन रो आम देखियो देखो प्रथम भलसा देखो को फॉर्मेट रे छि फर्स्ट फार्मूला को इंडिकेट करूची a + b द होल स्क्वायर + a - b द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर तार मूल्य केते हेतिला 2 तो आंसर सब बेले एंतिया केसेस जेते बेले एंतिया क्वेश्चन आसीबो आंसर आखी बुझी की 2 ओके बुझेला अच्छा सेम द टाइप रो आ गुड क्वेश्चन दोजी देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड ताले आंसर केता हो नेक्स्ट सेटा होची नेक्स्ट फार्मूला जोटे की 4 थिला तने a + b द होल स्क्वायर माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab ab एटा a एटा b एटा a आउ b ताले ab व्हिच इज इक्वल टू 4 बुझेला नने आखी बुझी के आंसर दबो कोन एन द टाइप रो आंसर होची 4 अच्छा टिक लेवल बढेबा देखो मूल रूप कोन a plus b the whole square plus a minus b the whole square divided by a square plus b square अच्छी एत्ती की देखो एत्ती की रो आंसर हमें केते जानी चंदी केते 2 एत्ती की रो आंसर 2 जानी चंदा ने 2 एटी कौन अच्छी 7 और एटी अच्छी 2 ताले 7 divided by 2 into एत्ती केते हला 2 then 2 2 get cancellation 7 it will be the right answer next question देखो स्क्वायर प्लस 78 माइनस 54 स्क्वायर व्हाट विल द आंसर हर आंसर कौन हबो कौन हला एटी अरे बाबो देखो कौन दे छि जस्ट उल्टे दे छि तो स्टेटमेंट को से फार्मूला को उल्टे दे छि हला a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर एटी तळे अछि ऊपर अच्छी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ताले हमरो जो स्टेटमेंट जो फार्मूला रे में पढ़ी थिले a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तारो आंसर केते थिला 2 थिला तो एठी जेते बळे उल्टे दे छी ताले तार रेसिप्रोकल कर छी ताले केते हबो 1/2 विल बी द आंसर बुझेला ना नै बुझेला ना नै समस्त बुझि पाइलो क्लियर त नेक्स्ट क्वेश्चन करबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहू छी देखो a plus b the whole square minus a minus b the whole square divided by a 93 into 28 what will be the answer तो एठी देखो तुम हटात तुम सवाल लक्ष्य करिवो अरे एठी तो ठीक ठाक देला एठी a देला एठी b देथंदा 56 देथंदा एठी 28 देछि तो कोन करा जाय परिवो जस्ट देखो 28 को मु एई भली रिप्रेजेंट करि परिबि ना किछि भी प्रॉब्लम नै 56 divided by 2 मु लेखि परिबि ना नै लेखि परिबि ना नै मो क्राइटेरिया फुलफिल हो छि ना नै मो वी फॉर्मेट को आसु छि ना नै तो देखो 26 को मु न सॉरी 28 को मु 56 divided by 2 लेखि परिबि तले मु एटी 56 divided by 2 लेखि परिबि ना नै एनी ऑब्जेक्शन ना तले देखो ठीक अछि ए 2 टा को मु चाहेले भी ऊपर मल्टीप्लाई कर परिबि डिवाइड एक थला ऊपर मल्टीप्लाई हेगला ताले हमें जानी चंती देखो वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन रो आंसर कोन a + b द होल स्क्वायर माइनस a - b द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab तो जानी चंती तर आंसर होची 4 ओके एति किरो आंसर होची 4 एठी 2 मल्टीप्लाई हेगे छी तने 2 * 4 व्हिच इज इक्वल टू 8 8 विल बी द राइट आंसर बुझेला ना नै एम दे टाइप क्वेश्चन पचार ले तो छाड़ी पड़े ऐसे ना कि ना करके ऐसे हो ठीक है तो देखो एडी a plus b the whole square minus a minus b the whole square दी ची divided by ab दी ची into root 4 दी ची तो कौन हो तो ये स्टेटमेंट तो मैं जानी चो ये उठे तीगो सॉरी ये स्टेटमेंट है बा ये फॉर्मूला रा आंसर तो मैं जानी चो कितने एति ग्रो आंसर केते ना 4 एटी केते अछि रूट 4 अछि ताले 4 डिवाइडेड बाय केते रूट 4 मु लिख परिबि एनी ऑब्जेक्शन एनी डाउट ताले 4 डिवाइडेड बाय 2 ताले केते हला आंसर विल बी 2
root over of 4 is equal to 2, 2 4, 2 2 4, ताले 2 will be the right answer. And that type of question पचाले तुम करी पेरी बो. Next type question देखो 75.8 रो square minus 35.8 रो square divided by 40. What will be the answer? SSC GD 2015 रो एटा question. तो ऑप्शन देखो 40, 121.6, 160, 11.6. 111.6. What will be the answer? देखो फॉर्मेट देखो एटी जदी एटा को ए नै जाए एटा को बी नै जाए ताले कोन होबो एटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट को पळे आसला ताले कोन हला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आमे जानि छंती व्हाट विल बी द आंसर ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी फार्मूला ओके ताले ए फॉर्मेट को आनी परिबी भी किछि कथा नै ताले देखो मठ लिखि परिबी 75.8 रो स्क्वायर माइनस 35.8 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 मु रिप्रेजेंट करि परिबी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला रे ताले 75.8 प्लस 35.8 ए प्लस बी होल इनटू ए माइनस बी 75.8 माइनस 35.8 डिवाइडेड बाय 40 ओके 75.8 प्लस 35.8 into 75.8 minus 35.8 divided by 40. तो देखो 75 plus 35, 70, 30, 5, 5, केते हला 110, 8, 8, मिसले केते हुचे, 8, 8, 16, 6 रखी नेला, 1 carry forward नेला, ताले केते हला, 100, 200, 11, 111.6, A plus B केते हला, 111.6, into 75.8 minus 35.8 कितना ला 40 बुझे ला 40 divided by 40 ताले कितना ला 40 get cancellation 111.6 will be the right answer ओके तो देखो कौन पूछा ची देखो किंतु संसंग तब देखिले तब एक क्वेश्चन कौन तुमको पूछा ची एग्जामिनर कौन पूछा रहे पे चाहिए पूछा ची तब उधर कौन एस्पेक्ट करो ची तब मेंटल एबिलिटी टा गुसे टेस्ट करू जी तम एप्टीट्यूड माइंड को टेस्ट करिया पे चाहू छी तो देखो 0.65 मु त करि परबी 0.65 रो स्क्वायर प्लस 0.35 0.35 ताले 0.35 रो होल स्क्वायर ताले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट को पळे आसला एठी मु 2 इनटू 0.35 इनटू 0.65 फॉर्मेट को आनी परबी ना नै एनी ऑब्जेक्शन 2 मल्टीप्लाई हेले 0.70 हो जाउची इनटू 0.65 एति की बुझियाला नेक्स्ट एटा फॉर्मेट को पळे आसला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी द होल स्क्वायर आंसर होची ए प्लस बी द होल स्क्वायर ताले 0.65 प्लस 0.35 रो होल स्क्वायर बुझियाला ना नै ताले 6535 1 is 1 नहीं, ताले 1.00 will be the right answer, बुझे ला, next question देखा, 2013 रो question, एटा SSCGD रो, देखा, 3 पुन्न, 3 विभक्त 5, into 3 पुन्न, 3 विभक्त 5, plus 2 into 3 पुन्न, 3 विभक्त 5, into 2 by 5, plus 2 by 5 into 2 by 5, जानी पहुर्चो, ताले एटी, double अच्छी माने, 3 पुन्न मुदगु अप्रकृत भग्नांश रे परिणत कर देबी बुझेला ना नै तो देखो इंप्रोपर फ्रैक्शन करले कोन होबो 5 3 15 3 18 / 5 बुझेला 18 / 5 रो स्क्वायर लिखि परबी ना नै प्लस 2 इनटू 18 / 5 इनटू 2 / 5 प्लस 2 / 5 रो स्क्वायर बुझेला ना नहीं दुई तरह छ तो एती फॉर्मेट पर्यंत बुझि पाइलो नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर एटा हेले एटा 2ab फॉर्मेट रे रहला एटा बी स्क्वायर बुझेला ना नहीं ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मेट को आसी गला ताले कोन करबी 18 विभक्त 5 प्लस
दुई विभक्त पाँच ए आउ बी रो होल स्क्वायर ए प्लस बी रो होल स्क्वायर ताले एटी कौन हम जेहेतु डिनोमिनेटर सेम अच्छी हर सेम अच्छी ताले फाइव एटी अठर दुई मिसीगला के कोड़े रो होल स्क्वायर बुझेगा ताले पाँच कोड़े चार स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 16 16 विल बी द राइट आंसर 16 बुझेगा ना नहीं 2013 एस एस सी जी डी क्वेश्चन एटा देख बहुत इजी क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट को पूरा तुम्हें आराम से देखी पार्छ ताले आखि बुझिकी आंसर दबो कौन हम के कह पार 0.03 प्लस 0.01 इंटू 0.03 प्लस 0. माइनस 0.01 केते हबो तीन एक चार 0.04 मल्टीप्लाइड विथ तीन रु एक गला दुई तेने 0.02 बुझेगा ना नहीं ताले दुई चौके आठ 0.08 विल बी द आंसर अच्छा किसी होमवर्क तुमको देली पांचटा क्वेश्चन देची ए पांचटा पांचटी क्वेश्चन तुम्हें मते कमेंट सेक्शन में जन पार कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जन पार कि मो व्हाट्सएप नंबर को आंसर सेंड कर पार मु तुमको सॉल्व करके दे पारि कि नेक्स्ट क्लास रे नहले हमें ताको कवर अप करिबा अच्छा जहाँ भी पढ़ेली होप तुम्हें बुझी पार्थिबो आज सेक्शन पे एति थाओ पुन देखा हबो नेक्स्ट सेक्शन में धन्यवाद बाय बाय